नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीएनएन न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। झारखंड में नक्सलियों को अब पुलिस ने उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के लोहरदगा में इस अभियान के तहत पुलिस ने पोस्टर वार शुरू किया है। जी हां, अब तक पोस्टर चिपकाकर लोगों के बीच खौफ फैलाने का काम भाकपा माओवादी या नक्सली किया करते थे, लेकिन अब पुलिस ने जंगल और पहाड़ी इलाकों में ठीक उसी तर्ज पर जनता को जागरूक करने की मुहिम छेड़ दी है। एसपी अभियान दीपक पांडे ने अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड के जंगली पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसे पोस्टर लगवाए हैं। कभी पोस्टर साटकर लेवी की मांग करने, तो कभी किसी की हत्या का फरमान सुनाने वाले भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का अभियान जोर शोर से शुरू हुआ है। इसके तहत नक्सल प्रभावित पेशरार प्रखंड में पुलिस नक्सलियों के विरुद्ध पोस्टर चिपकाने और पैम्पलेट बांटने का काम कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों गुमला जिले में भाकपा माओवादी ने एक थाना भवन को विस्फोट कर उड़ा दिया था। इसके बाद से लोहरदगा पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। इसी क्रम में अब ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए पोस्टर अभियान की शुरुआत की गई है। पोस्टर में इनामी नक्सली संगठन और नक्सलियों के बारे में जानकारी दी गई है, साथ ही इनाम की राशि भी बताई गई है। पुलिस के मुताबिक नक्सली या उनके संगठन के बारे में सूचना देने वाले लोगों की जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। एसपी प्रियंका मीणा और एसपी अभियान दीपक पांडे के मुताबिक लोहरदगा पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने यह संयुक्त अभियान शुरू किया है। लोहरदगा पुलिस के निर्देशों पर खून से सने हैं ये हाथ, ना दो तुम इन खूनियों का साथ, शीर्षक के साथ पोस्टर जगह जगह लगाए गए हैं। एसपी अभियान दीपक पांडे ने ग्रामीणों से कहा है कि अब समय आ गया कि हमें मिलकर नक्सलियों का बहिष्कार करना है, ताकि लोहरदगा को भी विकास की ओर ले जाया जा सके। पुलिस के मुताबिक इस अभियान का आम लोगों पर व्यापक असर पड़ेगा और नक्सलियों की जड़ें कमजोर पड़ जाएंगी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीएनएन न्यूज़।